झारखंड और देश विदेश की खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है रांची से। श्री राम मंदिर के लिए भक्तों ने भर दी झोली। बिहार के राज्यपाल ने दिया 2,01,000 रुपया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के निर्माण सहयोग राशि देने के लिए पूरे देश तत्पर है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से समर्पण निधि अभियान शुरू हुआ। अभी 2 दिन ही हुए हैं और प्रथम चरण में भेजे गए 10,100 तथा 1,000 रुपये के कूपन कई शहरों में खत्म हो गए हैं। मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए मुस्लिम समाज के लोग भी स्वयं आगे आ रहे हैं। कल बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने 2,01,000 रुपये की सहयोग राशि दी। धनबाद के सिंदरी निवासी एक मुस्लिम परिवार ने 51,000 रुपये की सहयोग राशि दी है। खबर है धनबाद से। कोयला खान भविष्य निधि संगठन से रिटायर कर्मचारियों के इलाज में हो रही है परेशानी। कोयला खान भविष्य निधि संगठन से रिटायर कर्मचारियों के इलाज की सुविधा के लिए कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाज के नाम पर प्रबंधन शोषण कर रही है। सीएमसीएफ पेंशनर समाज की वार्षिक बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। सीआईएमएफआर के लिए खास है यह साल। नवम्बर में धनबाद आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान अपना 75वां साल मना रहा है। संस्थान का प्लेटिनियम जुबली समारोह नवंबर 2021 में आयोजित होगी। इसे यादगार बनाने के लिए संस्थान में अभी से तैयारी चल रही है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। इसके लिए सिम्फर पीएमओ से अप्रोच कर रहा है। डिगवाडी परिसर में कोल टू मिथेनॉल प्लांट विकसित हो रहा है, जिसके नवंबर तक पूरा होने की पूरी संभावना है। यह खबर बताया जा रहा है कि गढ़वा से है। गढ़वा के 5 युवाओं को सीएम हेमंत ने किया सम्मानित। रांची स्थित सोहराई भवन में झामुमो आईटी सेल के बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। उन बैठक में उन्होंने सरकार के 1 साल की उपलब्धियां पर चर्चा करते हुए बताया कि सभी जिलों में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की गई है। शहीद वीर फोटो को खेल विकास योजना सहित योजनाओं के हित में चलाए जा रहे कार्यों से युवाओं को रूबरू कराया। श्री सोरेन ने कहा कि जिस लक्ष्य के साथ हम चुनाव लड़ रहे थे, कोरोना के कारण वह प्रभावित हुआ, लेकिन इस वर्ष युवाओं से किए गए वादे को पूरा करने का काम करेंगे। झारखंड के सरकारी शिक्षक अब स्कूलों में नहीं कर पाएंगे टाइम पास। क्वालिटी एजुकेशन और बेहतर रिजल्ट को लेकर ये मिली है नई जिम्मेदारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों स्कूल में टाइम पास करना अब आसान नहीं होगा। उन्हें क्वालिटी एजुकेशन एवं बेहतर रिजल्ट देने के लिए नेशन प्लान के मुताबिक बच्चों को पढ़ाना होगा। इसके अनुरूप प्रदर्शन नहीं करने पर उन पर कार्रवाई की जा सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस बाबत निर्देश जारी किया है कि ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। झारखंड में अब मजदूरों के बच्चे भी बन सकेंगे डॉक्टर इंजीनियर। श्रम विभाग की इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ के लिए ये है जरूरी। अब मजदूर के बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर एवं बैंक अधिकारी बन सकेंगे। गरीब मजदूर के बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा बाधा नहीं बनेगा, इसलिए श्रम विभाग ने मजदूर के बच्चों के लिए मेधा पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत श्रम विभाग से निबंधित मजदूर के बच्चों को 5,000 से 50,000 तक की छात्रवृत्ति मिलेगी, जिससे मजदूर के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर उच्च डिग्रियां लेकर अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। श्रम विभाग गुमला से मिली जानकारी के अनुसार वर्ग 1 से 8 तक की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपया, वर्ग 9 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई के लिए 10,000 रुपया, स्नातक व एमए की डिग्री प्राप्त करने तक के लिए 20,000 रुपये व मेडिकल व इंजीनियर की पढ़ाई के लिए 50,000 तक की छात्रवृत्ति राशि श्रम विभाग से मिलेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मजदूर का निबंधन श्रम विभाग में किया गया हो। इस योजना के अलावे निबंधित मजदूरों की 2 संतानों के विवाह के लिए 30,000 रुपये तक की मदद श्रम विभाग से की जाएगी। इसके लिए श्रम विभाग ने विवाह सहायता योजना शुरू की है। खबर है जमशेदपुर से। मैं भी डिजिटल के तहत दुकानदारों को दी गई ट्रेनिंग। नगर विकास विभाग रांची के आदेश के बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये के ऋण प्राप्त करने वाले दुकानदारों को सोमवार को मैं भी डिजिटल के तहत सुख सुलाई के दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सुखसुलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जगदीश प्रसाद यादव ने बताया कि वैसे दुकानदार जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया था, सोमवार को वैसे 30 दुकानदारों को नगर परिषद के कर्मचारी यूको बैंक के सहयोग से मैं भी डिजिटल का प्रशिक्षण दिया गया। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। रॉबर्ट वाड्रा ने किया था जमीन घोटाला और आयकर चोरी, अब सरकार लेगी एक्शन, कांग्रेस में हड़कंप। एक न एक दिन तो कर्म का फल मिलता ही है, कुछ यही कहावत रॉबर्ट वाड्रा पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। बेनामी संपत्ति का मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है और रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी महेश नागर को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई होगी। भीम सेना का ऐलान, नंगा कर परेड करवाऊंगा, ऋचा चड्ढा की जुबान काटने वाले को 2 करोड़ दूंगा, इस पर भड़की स्वरा भास्कर। हॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की आने वाली फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर विवादों में फंस गई है। भीम सेना नामक संगठन ने इसे दलित विरोधी बताते हुए अभिनेत्री की जुबान काट लेने की धमकी दी है, जिसके बाद स्वरा भास्कर सरीखो इस फिल्म का समर्थन किया है। स्वरा भास्कर ने इसे निंदनीय और शर्मनाक करार देते हुए कहा कि किसी फिल्म के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपराधिक धमकियां और हिंसा के लिए भड़कना जायज नहीं है। विदेशों में फंडिंग से इंडिया में दहशत की साजिश, जाने एनआईए ने कैसे लिया रडार पर। किसान आंदोलन में शामिल कुछ नेताओं को समन भेजे जाने पर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने एनआईए को अपनी कठपुतली बना लिया है और इसका इस्तेमाल आंदोलन में शामिल किसान नेताओं को डराने धमकाने के लिए कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा, रणदीप सुरजेवाला और किसान नेता दर्शन पाल और राकेश डिकैती ने इस मुद्दे को उठाया है। ट्रैक्टर रैली को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जानिए किसने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने देनी है या नहीं, ये तय करना पुलिस का काम है। अदालत में बुधवार को फिर इस मामले में सुनवाई होगी। किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसका कहना है कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा, वहीं इस पर दिल्ली पुलिस के हाथ में गेंद दिख रही है। कोर्ट ने जो बातें कही है इससे जाहिर हो रहा है कि इस मामले में पुलिस को ही तय करना होगा कि उन्हें कब और क्या करना होगा। मुश्किलों में फंसी फिल्म तांडव, निर्देशक से होगी पूछताछ, मुंबई रवाना हुई यूपी पुलिस। अमेजन प्राइम के वेब सीरीज तांडव के निर्देशक और टीम की मुश्किलें बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम मुंबई के लिए रवाना हुई है। पुलिस वेब सीरीज तांडव के निर्देशक से पूछताछ करेगी। इसके लिए राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में सैफ अली खान, डिंपल कवाड़िया और अली सिजान स्टारर वेब सीरीज तांडव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने के 4 पुलिसकर्मी मुंबई के लिए रवाना हुई है। यह पुलिस की टीम वेब सीरीज के निर्माता और कलाकारों से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि तांडव वेब सीरीज में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। पूर्व मंत्री का दावा, बंगाल में बनेगी ममता की सरकार। कैलाश विजयवर्गीय दीदी के पैरों में गिरकर मांगेंगे माफी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने पर दावा किया है। साथ ही उन्होंने विंध्य प्रदेश की मांग का समर्थन किया है। बता दें कि भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने हाल ही में विंध्य क्षेत्र को अलग प्रदेश मनाने की मांग उठाई थी, जिससे पार्टी के नेता नाराज हुए थे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नारायण त्रिपाठी को तलब किया था। भारत में अब तक कितने लोगों पर दिखा वैक्सीन का साइड इफेक्ट, क्या अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा, जानिए सब कुछ। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो 2 दिन हो चुके हैं। इस दौरान लाखों लोगों को टीका लगाया गया, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट को भी देखने मिल रहा है। यह जानकारी रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 16 और 17 जनवरी को टीका लगाए जाने के बाद 447 AEFI यानी टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना रिपोर्ट गई है। हालांकि संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर
अगनानी ने बताया कि अधिकांश मामलों में वैक्सीन का प्रतिकूल प्रभाव मामूली स्तर का था। हरियाणा की बीजेपी सरकार गिराने की बड़ी साजिश, किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी और कांग्रेस के बीच टिकट और 10 करोड़ रुपए में हुई डील। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। अपनी सियासी साजिशों को अंजाम देने के लिए कांग्रेस किसान आंदोलन को ढाल बना रही है। इस आंदोलन की आड़ में हरियाणा की बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस और किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी के बीच 10 करोड़ रुपए की समझौता हुआ है। वहीं गुरनाम सिंह चडूनी ने राजनीतिक दलों के साथ दिल्ली में एक सम्मेलन किया था, जिसमें बीजेपी को छोड़कर बाकी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की रैली में दिखे पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर, लगता है पाकिस्तान का अंत समीप है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया की मुसीबतें तो सामने आ ही रही है, लेकिन उनके अपने ही लोग ही पाकिस्तान से इतनी नफरत करते हैं कि ये सब विश्व पटल पर आने लगा है। सिंध इलाका ताज़ा उदाहरण है, जहां सिंध देश की आज़ादी के लिए आधुनिक भारतीय सिंधी राष्ट्रवाद संस्था के सदस्य जीएम सैयद की 170वीं जयंती पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। दिलचस्प बात यह रही कि इस दौरान वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर और तख्तियाँ भी थी। लोग सिंध की आज़ादी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे थे। दिल्ली में पेट्रोल 85 रुपए के करीब, डीजल भी 75 के पार, 3 दिन बाद फिर से बढ़े दाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब बेलगाम हो चुकी है। कई राज्यों में ये रिकॉर्ड लेवल पार कर चुकी है। दिल्ली में भी पेट्रोल के रेट 85 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुकी है, जबकि डीजल 75 रुपए पर निकल चुका है। मुंबई में पेट्रोल के रेट 92 रुपए की ओर बढ़ चुके हैं। पति की सर्विस बुक में कहीं दर्ज तो नहीं दूसरी औरत का नाम, अब भी कर ले पता। पति पत्नी के बीच की तकरार दफ्तर तक पहुंचने लगी है। ये विवाद इस कदर अनसुलझे हो गए हैं कि अब पत्नियों के पति के खिलाफ सूचना का अधिकार को अपना हथियार बनाया। गोरखपुर में 2 दर्जन से अधिक ऐसे मामले हैं जिसमें पत्नियों ने पति के कार्यालय में आरटीआई दाखिल कर जानकारी मांगी है कि सर्विस बुक में पत्नी के कॉलम में किसका नाम दर्ज है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में दफ्तरों से जवाब देने से मना कर दिया गया। अपील राज्य सूचना आयोग तक की गई है। जानिए किस तारीख को जारी होगी एसएससी एमटीएस 2021 का आधिकारिक नोटिफिकेशन। ssc.nic.in पर करें कर्मचारी चयन आयोग एसएससी अगले महीने की मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। एसएससी परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक एसएससी एमटीएस 2021 का नोटिफिकेशन 9 फरवरी 2021 को जारी किया जाएगा। सभी कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे इस पर नज़र रखें। वही आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 मार्च होगी। बिहार से एक अच्छी खबर, बिहार का नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट दरभंगा में खुलेगा। बिहार के दरभंगा में नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट खुलेगा। यह पहला राष्ट्रीय कौशल विकास का इंस्टीट्यूट होगा, जहां लड़के और लड़कियां दोनों प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इस 7 एकड़ में बनेगा और इसके लिए दरभंगा में जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। इस इंस्टीट्यूट के बाजार की मांग के अनुरूप अत्याधुनिक ढंग से युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। खबर खेल जगत से, जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद सिराज को क्यों लगाया गले, जानिए। मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टूर पर टेस्ट करियर में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने प्रदर्शन से न सिर्फ अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि उन्होंने भारत के हर क्रिकेट फैन को अपना दीवाना बना लिया है। मोहम्मद सिराज ने ब्रिस्बेन टेस्ट की दूसरी पारी में स्टीव स्मिथ और मार्टिन लाबुशेन समेत 5 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को प्लेबैक का रास्ता दिखाया। इस मैच में उन्होंने कुल 6 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज ने जैसे ही जो शेरबुल का विकेट लिया, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का अंत हो गया। टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से निकलकर मैदान के पास आए और इस तेज गेंदबाज को शाबाशी देने लगे। जब मोहम्मद सिराज ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, तो जसप्रीत बुमराह ने अपने पास बुलाते हुए कहा, और मियां। और इसके बाद आया इमोशनल मोमेंट, जब बुमराह ने सिराज को गले लगा लिया और मुबारकबाद दी। आज टेस्ट क्रिकेट का 5वां दिन है। इतिहास रचने के लिए बनाने होंगे 324 रन। ब्रिस्बेन में कहीं बारिश न बन जाए बाधा।
मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर की उम्दा गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को चौथे क्रिकेट टेस्ट के वर्षा बाधित चौथे दिन सोमवार को दूसरी पारी में 294 रन पर समेट दिया। अब भारत को आखिरी दिन जीत के लिए 324 रन बनाने होंगे। भारत को 328 रनों का लक्ष्य मिला, जिसके जवाब में बारिश के कारण चौथे दिन खेल समय से पहले रोके जाने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 4 रन बना लिए थे। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।